दिल्ली प्रीमियर लीग यानी कि डीपीएल टी20 में एक से बढ़कर एक युवा टैलेंट देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक टैलेंट अब दुनिया के सामने आया है जिसका नाम है मयंक रावत। मयंक रावत दिल्ली प्रीमियर लीग में ईस्ट दिल्ली की ओर से खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी ऑलराउंडर है और मंगलवार रात इस खिलाड़ी ने अपनी गेंद और बल्ले की परफॉर्मेंस के दम पर एक मैच जिता दिया। मयंक रावत ने पहले दो ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए और उसके बाद छठे नंबर पर उतरकर महज 27 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। मयंक ने सिर्फ 9 गेंदों में ही मैच खत्म कर दिया। अब आपको आइए बताते हैं कि कैसे खत्म किया। ईस्ट दिल्ली की पारी की बात करें तो इस टीम ने महज 47 रन पर अपने 4 विकेट गवा दिए थे। इसके बाद मयंक रावत ने हार्दिक शर्मा के साथ मिलकर बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी की। मयंक रावत ने अपनी पारी में 9 बाउंड्री लगाई, उन्होंने 4 छक्के और 5 चौके जड़े। 9 गेंदों पर उनके ये हिट सी विरोधी टीम पर भारी पड़े। अब आपको बताते हैं मयंक रावत की वो कहानी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मयंक रावत अंडर 14 के जमाने से दिल्ली क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर विराट कोहली का एक रिकॉर्ड भी तोड़ा था, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें 5,000 रुपये का इनाम दिया। हालांकि इसके बाद अंडर 16 एज ग्रुप क्रिकेट के समय उन्हें चोट लग गई और फिर वो तकरीबन 3-4 साल मैदान से दूर रहे। इसके बाद मयंक रावत ने वापसी की और इंडिया के अंडर 19 टीम के लिए भी खेले। मयंक रावत लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक दिल्ली रणजी टीम में नहीं चुना गया, साथ ही वो आईपीएल में भी नहीं खेले। पिछले 4 सालों से वो आईपीएल ट्रायल में जा रहे हैं और हर बार उन्हें नाकामी मिली। मयंक रावत ने साल 2022 में आईपीएल ट्रायल के दौरान तहलका मचा दिया था। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। इसके बावजूद इस खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली ने नहीं चुना। अब दिल्ली प्रीमियर लीग में इस खिलाड़ी के पास अपने टैलेंट को दिखाने का एक मौका है। मयंक रावत ने अपनी टीम को एक मैच जिता दिया है। अगर इस खिलाड़ी ने 2-3 मैच और जिता दिए और अपनी टीम को टूर्नामेंट भी जिता दिया तो यकीनन आईपीएल फ्रेंचाइजियों की नज़र इस धुआंधार खिलाड़ी पर पड़ जाएगी। अब वो रही वक्त की बात कि नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन मयंक अपनी ओर से कुछ कर सकते हैं तो वो यही कि ऐसी ही पारियां वो लगातार खेलते रहें।